आप सबको मेरा नमस्कार। लेटेस्ट एग्जाम क्रैक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब देख रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम क्रैक चैनल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं साधारण ब्याज पर कुछ चर्चा कर रहा हूं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। उसी क्रम में समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, और दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। इस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। बताइए वह ब्याज के रूप में कितनी राशि देगा। हल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन अर्थात वह राशि जिसने मनोज में सेठ से लिया, 5,000 गुणे 10 दर गुणे समय 2 वर्ष के लिए लिया बटा 100। 1020 ऊपर के काट दिए गए, ऊपर बचा 50 गुणे 10 गुणे 2, तो अंकों का गुणा कर दीजिए, 5 × 5 × 2 = 10 और 1 और 1 = 2, 2 0 बढ़ा दीजिए अर्थात 1,000 रुपये। अतः मनोज सेठ को ब्याज के रूप में 2 वर्ष बाद 1,000 रुपये देगा। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं कि साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को कैटेगराइज, यानी किस प्रकार से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनमें कुछ कैटेगरी को आज हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसे टाइप वन कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुनी हो जाती है तो दर क्या होता है। दर n-1 × 100/t अर्थात −1 × 100/समय। इस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। दर बराबर 3 × −1 अर्थात 3 गुनी हो जाती है, तो 3 − 1 × 100 कितने वर्षों में कितने समय में 3 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्षों में बटे 10, तो 3 − 1 = 2 × 100/10। 1 0 से 1 0 को काट देंगे तो 10 × 20%। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कोई राशि 4 / 3/4 वर्षों में 8 / 1/2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। तो दर बराबर गुना कितनी गुनी हो जाती है, 8 / 1/2 गुनी, तो 8 / 1/2 − 1 × 100/ कितने वर्षों में हो जाती है, 4 / 3/4 वर्षों में हो जाती है अर्थात 8 × 16 = 17 − 1 = 17/2 − 1। इसको हल करेंगे तो आएगा 15/2 × 100/4 × 16 = 19/4 बराबर 15/2 × 100, ये बटे का 4 ऊपर चला जाएगा, गुणे 4/2 × 19, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 ऊपर बचा 15 × 30 = 30 और 2 0 हमने बढ़ा दिया, यानी 3000/19। अब 3000/19 को जब हम मित्र भिन्न में बदलेंगे या मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 157/17/19% वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं टाइप 2। कोई राशि साधारण ब्याज पर 8% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय बराबर n-1 × 100/r अर्थात n
एन अर्थात गुनी माइनस एक गुणे सौ बटा दर। ईश्वर आधारित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दो गुनी होगी? समय बराबर गुना दो, दूनी की बात कर रहा है तो 2 - 1 गुणे 100 बटा दर कितनी है? 5% बराबर बटा 5 बराबर 2 - 1 एक गुणे 100 बटा 5 तो 5 × 5 20 × 5 = 100 तो 20 × 20 वर्ष। आपको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा और ये टाइप भी समझ में आया होगा। इसी में क्रम में हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कोई राज्य 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी? समय बराबर गुना कितने गुनी की बात कर रहे हैं? 11। तो 11 - 1 गुणे 100 बटे दर 15 तो 11 - 1 10, 10 × 100 = 15 5 × 15 5 × 10 2 × 100 = 200/3 3 से भाग देंगे 200 में तो आएगा 66 सही 2/3 वर्ष। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इसी क्रम में हम आते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कोई राशि T1 वर्षों में N गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में N2 गुनी हो जाएगी? इस कथन को आइए निम्न सूत्र से समझते हैं। N1 - 1/T1 = N2 - 1/T2 यदि उपरोक्त कथन में समय के बदले दर हो, क्या हो? समय के बदले दर हो तो N1 - 1/R1 = N2 - 1/R2। आइए इस पर प्रश्नों को भी देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो N1 - 1/T1 = N2 - 1/T2 से माना वह राशि T2 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तब N1 मीन्स पहले कितनी गुनी हो रही है? -1 तो पहले 3 गुनी हो रही है बटे कितने समय में? 5 तो 3 - 1/5 = फिर T2 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? 5 तो 5 - 1/T2 अर्थात T2 = 5 - 1/4 इसका त्रिक गुणा होगा 5/2 अर्थात 2 × 2 2 × 2 = 4 तो 2 × 5 = 10 वर्ष अर्थात T2 = 10 वर्ष। अतः वह राशि जो 5 वर्षों में 3 गुनी हो रही है वह 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? आइए इसके हल को देखते हैं। N1 - 1 अर्थात पहले जितनी गुनी होती है -1/1% = N2 - 1/R2
दूसरा गुना माइनस वन बटे दूसरा समय, सॉरी दूसरा प्रतिशत। तो पहले चार गुनी हो जाती है, चार माइनस एक कितने प्रतिशत दर से, तीन। फिर 7% होती है तो 7 माइनस 1 बटे आर टू, आर टू हमें ज्ञात करना है, इसलिए आर टू बराबर इसका फिर तिरिया गुणा इसका इधर गुणा इसका इधर। तो आर टू बराबर 7 माइनस 1 6 गुणे 3 और 4 माइनस 1 बटा 3, इसलिए आर टू बराबर 3 से 3 कट जाएगा बराबर 6%, आर टू बराबर 6%। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे और भी इसी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं और इससे अच्छे प्रश्न हैं जिसको आप देखकर यह जान पाएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से और कितनी जल्दी हल कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई राशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। तो 5 माइनस 1 बटा 4 बराबर 7 माइनस 1 बटे T2, अर्थात T2 बराबर 7 माइनस 1 बराबर 4, त्रियक गुणा करेंगे, सॉरी 7 माइनस 1 बराबर 6, 6 में 4 का त्रियक गुणा 4, 6 गुणे 4 बटे T2। तो T2 हमने पहले लिख दिया है, 5 माइनस 4 बट 1 बराबर 4 बराबर 6 वर्ष, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा बचेगा 6, T2 बराबर 6 वर्ष। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई धनराशि 4 से 1/2 वार्षिक प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है तो किस दर से वह 3 गुनी हो जाएगी। माना वह राशि आर टू की दर से 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए 5 माइनस 1 गुनी माइनस 1 बटे प्रतिशत, 4 से 1/2 बराबर गुनी माइनस 1 बटे R2, इसलिए R2 बराबर 4 दुनी 8 1 9, 9 माइनस 9 गुणे 2 बटा 5 माइनस 1 4 गुणे 2। तो 2 से 2 कट गया बचा 9/4, इसलिए R2 बराबर 2 सही 1/4%। अब ये आपको पता का है कि 2 सही 1/4 आया कैसे, तो हमने 9/9 में 4 से क्या किया, भाग दे दिया। तो 4 दुनी 8, जितनी बार भाग गया वो सही बटे में, जो ये एक शेष बच रहा है शेष, ये अंश हो गया और जिस यानी अर्थात भाजक अर्थात हर, वह हर हो गया। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।